मैडम, सबसे पहले आपका नाम बताएं। मैं ठाणे शहर जिला की महिला अध्यक्ष वनिता ताई गोतपाक। हमको जो उम्मीदवार दिया है नजीब भाई, तो कलवा मुरा में इतना खुशी हुआ है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस साहब और अपने नेता आनंद जी परंजपे साहब, हमारे उम्मीदवार नजीब मुल्ला साहब, उनको इतना भरघोस मतों से हम सब महिला लोग चुन के देंगे कि जो योजना उन्होंने दी है ना, लाडली बहन योजना, उसकी वजह से नजीब भाई एक तरफा 23 तारीख को चुन के आएंगे, इसका हमको पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में अंकिता शिंदे जी भी हैं, जिन्होंने आज कई वर्षों से नजीब मुल्ला सर के साथ में काम किया है, और ये एक अनुभवी तौर पर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आने वाले विधानसभा 2024
कलवा मुमरा कौसा के लिए नजीब भाई को वहाँ पर निवडणुकी के लिए वहाँ पर उनको उनकी पार्टी की तरफ से समर्थन मिला है, तो उसके लिए क्या कहेंगे मैडम? पहिला मी त्यांचं अभिनंदन करते, त्यांना महायुतीच्या सरकारने त्यांच्यावरती विश्वास टाकला आहे आणि त्यांना आता आमदारकीची उमेदवारी मिळाली आहे आणि त्यांचं काम हेच त्यांची ओळख आहे, त्याच्यामुळे नजीबभाईंची काम कसे प्रकारे हे राहत आहेत हे आपल्या ठाण्यात तर सगळ्यांना माहितीच आहे. आणि TMC चे आता 20 वर्ष ते विरोधी पक्ष नेता म्हणून होते, त्यांचं कामाचीच ओळख असल्यामुळे ते निवडून नक्कीच येणार. मैडम 2009 से लेकर 2024 में जो आपने देखा है सर्वे के अंदर के कलवा मुमरा और कौसा विधानसभा के अंदर आज भी समस्या कब्रिस्तान को लेकर, पानी को लेकर और सबसे बड़ी जो टोरंटो का जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आता ते नजीब भाई आता निवडून दिल्यावरती समस्या लवकरात लवकर दूर होणार याची आम्हाला खात्री आहे. जी, तो आप पूरे कौसा मुमरा के जो वोटर्स है, जो वहाँ के पब्लिक्स है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपले आता नजीबुल्ला साहेब आहेत, तुम्ही आता काम केले बघितले, 15 वर्ष जे नेते आहे होते त्यांनी काय काम केले आणि आता पुढे जाऊन तुम्ही जर सॅटिस्फाईड असाल तर गोष्ट वेगळी, पण तुमचे जे मूलभूत सुविधाच तुम्हाला मिळाल्या नसतील तर मग आता आपल्याला नवीन नेता देण्याची गरज आहे. आणि नजीबुल्ला यांना साहेबांना म्हणजे घड्याळ ह्या निशाणीवरती मतदान करून भरघोस नेत्यांनी आता विजयी करा 20 तारखेला नोव्हेंबर. मी काय सांगते की 15 वर्ष ज्या उमेदवाराला आपण निवडून दिलं त्यांनी कळव्या मुंबऱ्याची फक्त रस्त्यांची कामं केली, बाकीच्या ज्या लोकांना पाणी विकलं, लाईट विकली, त्यांनी बाकीचे कामं काय केली? काहीच नाही केली. सगळे महानगरपालिकेतून नजीबभाई सगळे कामं करत होते, तर गरिबांचा विचार करणारा नेता, अभ्यासू नेता, एक सगळ्यांशी मन मिळवू नेता म्हणून नजीबभाईंचं चांगलं नाव आहे. ठाणे शहरामध्ये नाव आहे, कळव्या मुंबऱ्यामध्ये नाव आहे. तर मग आमचं एकच म्हणणं आहे, सगळ्या महिला भगिनींना त्यांनी जी अजितदादांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी जी भेट दिलेली आहे त्याच्या बदली आम्ही सर्व महिला भगिनी कळवा आणि मुंबऱ्याच्या नजीबभाईंना चांगल्या मताधिक्यांनी निवडून, भरघोस मतांनी निवडून आणणार आहोत, एवढाच आमचा निश्चय आहे. बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम के साथ बात करने के लिए. सबसे पहले आपका नाम बता. माझं मी राबोडीमध्ये राहते. दुसरी, मी आज नजीबाईंना लहानापासूनच्या हिशोबाने त्यांची कार्यकर्ता जुनी आहे. माझी इच्छा भरपूर आहे की ते ना आमदार झालेच पाहिजे. जर ते आमदार झाले ना सगळ्यांची कामं होतील, जे रखडलेत ना त्यांची पण कामं होतील. तर माझ्याकडनं भरपूर शुभकामना आहेत की नजीबभाई आमदार झालेच पाहिजे. पहिले तो मैं मेरा नाम बताऊंगी, मेरा नाम उज्ज्वला है. और जैसे नजीब भाई, अभी मैं तो बोलती हूँ कि नजीब भाई आमदार बन गए, क्योंकि जो 15-20 साल से जो नेता वहाँ पे है आमदार के उन्होंने आज तक लोग 15-15 दिन का पानी पी रहे. पहले तो कलवा की ये हालत है, वहाँ पे जो गंदगी है वो गंदगी वैसी की वैसी पड़ी है. तो आमदार जब रास्ते से गुजरता है तो उसको वो गंदगी नहीं दिखती, सिर्फ रोड दिखते हैं. और अगर गंदगी हटानी है, लोगों के प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करने हैं, तो भगवान ने लोगों के लिए गॉड गिफ्ट दिया है, वो है नजीबुल्ला साहब. और नजीबुल्ला साहब ही है जो उनके लिए जो काम कर सकते, जो निधि ला सकते हैं, जो निधि वहाँ पे लाकर वो उनको जो झोपड़पट्टी का जो डेवलपमेंट है, जो भी लोगों के प्रॉब्लम्स है, जो 15-15 दिन में नाली के कीड़े पानी में जा रहे, लोग पी रहे, लाइट नहीं है, घरों में टैक्स नहीं है, ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे है. ये अगर प्रॉब्लम अगर लोगों को बदलनी है तो उनको चेहरा बदलना होगा, फिर उनको आमदार चेंज करना होगा. अगर नजीबुल्ला साहब आमदार बनते हैं तो मैंने जैसे कहा कि वो गॉड गिफ्ट है, तो वो एक साल में ही कलवा मुमरा का पूरे हालात बदल देंगे. और मुझे ये विश्वास है क्योंकि मैंने उनको देखा है काम करते हुए, उनका काम ही उनकी पहचान है और मैं जानती हूँ वो काम कर सकते हैं. और मुझे ये भी पता है कि लोग भी अभी कंटल गए और लोग खुद से आके बोलते हम लोगों को, जब मैं सर्वे के लिए जाती हूँ तो लोग मुझे आके बोलते कि मैडम आम्ही 15-15 दिवसाचा पाणी पितो आहे, आम्हाला खूप त्रास आहे, कचरा तिथेच पडलेला आहे, खूप घाण तिथे पडते, लहान मुलं तिथनं जातात, आटकोणेश्वर नगरला तिथे जायला बसेस नाही आहे, पोरांचा खूप प्रॉब्लेम आहे, कळव्या मुंबऱ्यामध्ये पण तेच प्रॉब्लेम आहे. तर मला हे सगळे प्रॉब्लेम सोडवणारा फक्त एकच नेता आहे, जो आहे नजीबुल्ला. आणि लोकांनाही माहिती आता ह्यावेळेस चेहरा बदली होणार आहे आणि ह्यावेळेस आमदार म्हणून फक्त नजीबुल्ला साहेब येणार आहे, हा माझा विश्वास आहे. आणि देवाने हा बदला मानला आहे, याला कोणी रोकू शकत नाही. नजीबुल्ला साहेब आप आगे बढो, हम तुम्हारे देखेंगे. आप सर के जज्बात देखो कि ये एक
सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, साथ में नजीब मुल्ला समर्थक भी हैं, और किस तरीके से इनका विश्वास है श्री नजीब मुल्ला के लिए, तो हम जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे मैडम आप? मैं तो पहला नजीम भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उनको महायुति ने वापस एक बार टिकट कंफर्म किया है, और हमें भरोसा है कि नजीम भाई जो गरीबों में आज जो 15 साल से जो उनका 15 साल के जो आमदार थे, उन्होंने जो हाल किए, उनके पास से पैसा लिया, उनको वादा किया, उनके घर हड़प लिए, उनका पानी का पैसा लिया, टैक्स का टोरंट के नाम से पैसा वसूला जा रहा है, हाथ गाड़ी जो लगा रहे ठेले का पैसा लिया जा रहा है, तो आज जो नया चेहरा हमको मायूती ने दिया है, एकनाथ शिंदे साहब ने जो भरोसा दिलाया है, जो लाड़की बहन योजना लाई है, हमको यकीन है कि नजीम मुल्ला भाई हमारे लिए एक लाडले भाई बन के हमारी ज़िंदगी में आए हैं, और वो हमारी हर उम्मीद एक रोशनी के किरण के जैसा, एक सूरज के किरण के जैसा हमारी हर उम्मीद पूरी करेंगे। और हमारी बहनों का एक वादा है, हमारी एक बहनों का वादा है, जो ये महायुति ने हमारे नजीम भाई पे जो भरोसा दिखाया, वो युद्ध भरोसे में हम पूरे पुर काबिल उतरेंगे, और हम एक तरफ हम हमारे नजीम भाई को चुनाव में चुन के देंगे। सर क्या नाम है आपका? संदेश पाटिल, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। आज जो खुशी का माहौल है, आज जो हमको खुशी मिली है, ये सारी खुशी मतलब बहुत जो जाहिर हो रही है उससे कम ही है, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। आज हमारे नेता नजीब मुल्ला साहब, उनको महायुति की तरफ से माननीय एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा, इन्होंने जो विश्वास दिखाया हमारे नेता के ऊपर, और उनको आज एक ए बी फॉर्म घोषित कर दिया उनका, तो वो खुशी हमारी जल्लोष कर रहे सब महिलाओं को आपने देखा जिस प्रकार से बोल रहे हैं, और जिस प्रकार से पिछले 15 साल में जो कुछ कामें सब पेंडिंग थी, सब जो कंप्लेंट थी लोगों की, वो सब सारी कंप्लेंट आपने सुनी रहेगी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है सब कंप्लेंट के बारे में। आज तो हमारा खुशी का माहौल है, ये खुशी हम 23 तारीख को इससे दुगनी खुशी घोषित ये करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। और चुन के मेरा कहता छोटा सा सवाल है पाटिल सर, जिस तरीके से नजीमुल्ला सर के ऊपर वरिष्ठ बड़े अधिकारियों ने उन पर विश्वास करके उन पर टिकट उन्होंने नामांकन किया है, तो जिस तरीके से आज कलवा मुमरा विधानसभा के लिए नजीमुल्ला सर उपचुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, तो क्या कौसा मुमरा के लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया, और क्या लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, इस बारे में संदेश देंगे हमारे दर्शक को? लोग बहुत अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं, लोगों को इतने साल से एक मौके की ज़रूरत थी, और वो मौका आज नजीम मुल्ला साहब के जरिए से मिला है उनको, तो वो खुद से आ रहे हैं साहब के पास, और बिन शर्त वो बोल रहे कि साहब मुझे आपका काम करना है, और ये टाइम हमको आप जैसे उम्मीदवार चाहिए था, और वो मिल गया, और हम इंशाल्लाह कुछ उनके लाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी, और जो यहाँ पर जल्लोष के साथ में एक छोटा सा प्रोग्राम इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मन फुर्ती होते हुए दिखाया कि नजीब सर की टिकट कंफर्म हुई, जिसके बाद आपने खुद देखा कि जिस तरीके से ढोल ताशे बजाए गए, और यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, और जितने भी समर्थक हैं, उन्होंने नजीब भाई का साथ देने का वादा किया है, और यहाँ तक नहीं कलवा मुमरा विधानसभा के अंदर एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है कि कल तक नजीब भाई ने थाना राबुड़ी तक के हित सीमित रह के काम किया था, आज वो मुमरा कौसा वालों के लिए कुछ नया कुछ करना चाह रहे, जिसके साथ ये लोग बढ़ चढ़ के दमखम रख के उनके साथ में समर्थक बन के खड़े हैं। तो इसी तरीके से जितने भी मुमरा कौसा के जो रहवासी हैं, वो कुछ नए नेता को चुनना चाह रहे हैं, और ये पाटिल साहब ने भी हमें उसकी जानकारी दी है। तो इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।